ज्ञान मोती ग्रुप की एक नई प्रस्तुति। बाप दादा ने कहा, अब तो सदैव एक ही बात याद रखो कि अब घर जाना है। और हम गए कि गए, सिर्फ सर्विस के निमित्त हमने शरीर का आधार लिया हुआ है। जैसे ही सर्विस समाप्त होती है, तुरंत अपने को देह से अलग एकदम हल्का कर दो। अब यह अनुभव ज्यादा बढ़ाना चाहिए कि यह स्थूल चोला अलग है और इस चोले को धारण करने वाली मैं आत्मा इससे अलग हूं। फिर बाबा ने कहा, जैसे आप लोग जब ड्यूटी से वापस घर आते हो तो अपनी ड्यूटी वाली ड्रेस बदल कर फिर से घर की ड्रेस पहनते हो और काफी हल्कापन महसूस करते हो, वैसे ही सर्विस प्रति इस शरीर रूपी वस्त्र का आधार लिया और कार्य समाप्त होने पर फिर से न्यारा अर्थात हल्का होने का प्रयत्न करो। लेकिन एक सेकंड में इस चोले से अलग वही हो सकेंगे जिनका इजी और अलर्ट रहने का अभ्यास होगा। बाबा ने कहा, अगर अपने संस्कारों में इजीपन नहीं होगा तो अशरीरीपन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। लेकिन ऐसा इजी भी नहीं हो जाना जो माया भी इजी रूप से आ सके, इसलिए इजी के साथ साथ अलर्ट भी रहना आवश्यक है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।